नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे हमारे छोटों को छोड़के। मैडम जी कुछ कीजिए ना, हमें वृद्धाश्रम नहीं जाना। आप हमारे बेटे और बहू को समझाइए ना। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। चलिए माँ जी, अब कहाँ हो गया मैडम सर आपको? ऐसे तो आप जज्बात का इतना बड़ा बड़ा बातें करती हैं, आपने सावित्री जी को कैसे जाने दिया? हम आपके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते, सो गेट बैक टू वर्क। बढ़िया ही पुलिस के पास जाने वाली हमारी कंप्लेंट करने के लिए। कल सुबह वृद्ध आश्रम चले जाओगे ना तो पिंड छूटेगा आपसे हमारा। अब बस कैसे भी ये आज की रात कट जाए। अब हम ऐसे मत देखिए मां, हमारी सर के ऊपर निकल चुका है। हम हमेशा आपकी गलतियों पर पर्दा डालते रहे और आप अपने ही बेटे के खिलाफ थाने चली गई। बस मां बहुत हो गया, अब आपको इस घर से जाना होगा। चलिए कुचा जिंदगी भी एक ही बर्तन घिसने में निकाल देंगे आप। अम्मा जी कितना काम बचा हुआ है बाहर, झाड़ू पोछा वो कौन करेगा? और नहीं होता तो बोल दीजिए आप, चलिए वृद्धाश्रम। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना, हमें यही रहना है तुम्हारे और हमारे लल्ला के साथ अपने घर में। हाँ रहना है ना यहाँ पे, तो फटाफट काम कीजिए आप। वेरी गुड, क्या है कि ये हमारा घर है और हमको ढीला लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। 5 मिनट के अंदर अंदर सारे बर्तन साफ हो जाने चाहिए। नहीं होगा आपसे अम्मा जी, आपसे नहीं होगा। चलिए वृद्धाश्रम आप वहीं ठीक रहेंगे। हमें छोड़ दो, हमें यहीं रहना है हमारे लल्ला के पास। क्या? अरे और थोड़ी देर ऐसा करते ना तो खंबा उखड़ जाता। पुष्पा जी क्या चक्कर क्या है, क्या बड़बड़ा रहे हो आप? और कहाँ नहीं जाना आपको? ओ अब समझ गया, कहीं सावित्री मौसी का हाल देख के आपको अपने बुढ़ापे का मंजर तो नजर नहीं आ रहा है ना? ओह ये लीजिए ओल्ड एज पॉलिसी फॉर्म, भर दीजिए। हमारा लल्ला उनके बेटे जैसा नालायक थोड़ी है। वो तो कई दिनों से कह रहा था कि अम्मा हम तुम्हें छुट्टियों पे कहीं घुमाने लेके जाएंगे, इसीलिए हम उसको मना कर रहे थे कि हमको कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, तुम जाओ। ओ। क्या बात है भैया, पुष्पा जी का शेविंग करने आए हैं आप? नहीं अगर आप कहेंगी तो कर ही देंगे। अरे नहीं मतलब हम तो बस टाइम पास करने के लिए तो नहीं आए थे, मतलब हम हाँ बिरयानी का ऑर्डर लेने आए थे। अरे हाँ बदनाम भाई पूछ रहे थे अगर चाय चाहिए थी तो भिजवाते बोल तुम। अच्छा मैडम 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 समझ गए, हम सब कुछ समझ गए। हमारे अंदर का महिला मनोवैज्ञानिक कह रहा है ना
कि आप ये सोच रही हैं कि SHO बनने के बाद जब तक केस खत्म नहीं हो जाता है तब तक चाय मंगाए कि नहीं मंगाए, है ना मैडम, है ना मैडम? मनोविज्ञान बहुत गलत सोच रहा है, हम केस के बारे में सोच रहे हैं। पर मैडम सर ने तो केस क्लोज कर दिया था। हाँ तो उन्होंने क्लोज कर दिया है, हमारा केस ओपन रहता है जब तक यहाँ से क्लोज नहीं होता है। हाँ पुष्पा जी, हम सावित्री जी के घर पर ना नजर रखे थे, सावित्री जी घर पर नहीं है, पता नहीं उनके बेटा भाऊ उनको कहाँ उड़ा के लेकर चले गए। नजर किस पे रखी थी आप? कहीं उनको वृद्धाश्रम तो नहीं छोड़ा है वो लोग? नहीं पुष्पा जी, वहाँ पे भी नहीं, हम पता किए हैं। तो फिर क्या किया होगा उन दोनों ने उनके साथ? हेलो। हेलो अजय। हाँ जी बोल रहे हैं। तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में है। क्या आप कौन बोल रहे हैं? 1,00,000 रुपए लेकर आओ और अपनी माँ को ले जाओ। क्या हुआ, कौन है? हमारी माँ आपके पास है? सामने बैठी है, बहुत बुरी हालत में है, बहुत तकलीफ में है, पता नहीं कब तक झेल पाएंगी ये तकलीफ। 5 मिनट बाद फिर से फोन करेंगे और बताएंगे कि पैसे कब और कहाँ पहुँचाने हैं। लेकिन भाई छोटू के बाबूजी लाया करते थे हमारे लिए रसगुल्ले हर इतवार को चोमू हलवाई से। उनके देहांत के बाद किसी को याद ही नहीं रहा कि हमें रसगुल्ले पसंद है। लाओ मंगवाते हैं। तो सुनो कि 1,00,000 रुपए अब कहां और कैसे पहुंचाने हैं। देखिए भाई साहब, आपने गलत जगह फोन मिला दिया है। हमारी कोई माँ नहीं है, हमारी कोई माँ है ही नहीं। आपने किसी गलत औरत को पकड़ा है। फोन रखो और आज के बाद भूलकर भी यहाँ फोन करने की भूल मत करना। पता नहीं किसकी माँ हमारे पल्ले बांध रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रखिए फोन। वाह, क्या सही वक्त पे आए हैं। क्या ना, हमारे यहाँ स्पेशल बिरयानी बनी थी तो सोचा आप लोगों को भी टेस्ट कराया जाए। लीजिए। एक बार हाँ सुनो, अपना दुकान के बाहर ना ये फोटो लगा देना, और ऐसी जगह फोटो लगाना कि तुम्हारे तांबे के बाल से पहले ये फोटो दिखाई दे, समझ गए? चीता, ये फोटो का प्रिंट आउट निकालो, एक बाल को दो, और सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म में हमको ये फोटो चाहिए। अब इसके लिए तुम चड्डे का मदद लो या किसी काले चोर का, हमको फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए? जी मैडम। खाइए सब लोग खाना। आप बैठिए मैडम। हमको भूख नहीं लग रहा है। किसको भूख लगा है मैडम, सबका वही हाल है, भूख प्यास सब कुछ छुड़ा हुआ। आंख के सामने नबासु सावित्री देवी का चेहरा घूम रहा है। सही कह रहे हो चीते, मैडम सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सावित्री जी को उनके बेटा बहू के साथ बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था। गलत किया मैडम सर ने। मतलब हम नाकाबिल हैं। बैठिए बैठिए। आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें इतनी भी काबिलियत नहीं कि हम सही समय पर सही फैसला ले सके।
चलिए आप सबको कुछ दिखाना है, चलिए आइए आइए। मैडम सर ये सब क्या है? बताते, बैठिए बैठिए बैठिए। आ गए सब लोग? भूख लगी होगी ना? आज मैंने अपने हाथों से आप सबके लिए खाना बनाया है, बहुत सालों बाद। बस लेके आती हूँ, गरम गरम रोटी आ रही है, रुको। मैडम सर ये कहाँ चल रहा है? हमें इनके बेटा और बहू पर उसी दिन शक हो गया था जब हमने इनका वीडियो देखा। वीडियो में दोनों बेटा बहू माँ पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही प्यार छिड़का रहे हैं। फिर भी हमारे लिए इस बात की तस्दीक करना बहुत जरूरी था कि उनका बेटा वाकई में वैसा है जैसा हम सोच रहे हैं या नहीं। माँ को बच्चों के साथ घर वापस भेजना यही जानने की स्कीम थी। जब तक सावित्री जी का घर अजय के नाम नहीं हुआ था तब तक दोनों को मजबूरन अपनी माँ की सेवा करनी पड़ रही थी। फिर उन्होंने ये माँ को वृद्धाश्रम भेजने की प्लानिंग शुरू की। और तो और माँ के किडनैप हो जाने की खबर सुनकर भी उन पे कोई असर नहीं हुआ। जब इतना घटिया ही है उनका बेटा तो इतना अच्छा बेटा होने का नाटक काय कर रहा है कि ड्रामा करने का क्या जरूरत है कि वो अपने माँ से इतना प्यार करता है। मजबूरी करिश्मा सिंह, मजबूरी जो कराए सो कम। वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन 2007 एक्ट के बारे में अजय बहुत अच्छे से जानता है। वो जानता है कि माँ को परेशान करने वाली बात अगर दुनिया के सामने आ गई तो वो जेल भी जा सकता है। इसीलिए तो ये प्यार का ढोंग करना, ये सारा नाटक करना बहुत जरूरी था ताकि मौका आने पर ये सारी चीजें उसके हक में खड़ी हो सके। तो फिर मैडम सर देरी किस बात का है? पकड़ के लाते हैं उस कलयुगी कपूत को और बताते हैं जो अपनी माँ का अनादर करता है ना उसका क्या हाल होता है। कानूनन हम ऐसा नहीं कर सकते करिश्मा सिंह। सावित्री जी अपने बेटे के खिलाफ कंप्लेन नहीं लिखाना चाहती। उनका कहना है कि जैसा भी है उनका बेटा है। इसी अंधे प्यार का तो फायदा उठाते हैं ये अजय जैसे घटिया लोग। अपने माँ बाप के साथ वो जैसा भी बर्ताव कर ले, लेकिन माँ बाप एक नाखून तक उखड़ने नहीं देते हैं। शांत करिश्मा सिंह, हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं और अब हम जो करना चाहते हैं उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। एक बार प्लान सुन लीजिए, अगर अच्छा लगे तो दीजिए हमारा साथ। प्लान कहाँ है मैडम सर? हम दोनों सावित्री जी के घर इनके बेटे बहू के पास जाएंगे और खुद को सावित्री जी की दूर की बहन बताएंगे। मकसद होगा इनके बेटे अजय को एहसास दिलाना कि वो अपनी माँ के साथ कितना गलत कर रहा है। ये सब होना चाहिए सावित्री जी के मान सम्मान के साथ। अरे और हाँ, सबके सामने दुख होना है समझे। ये कौन है? रो ये क्या कर रहा छोरे? हम तो ठीक से पहुँचे ना और तू जा रहा? जी आप? रे छोरो हमें ना पहचाना? अरे जिनकी पहचान से पूरा कुनबा जाना जाए तूने उन्हें ना पहचाना? अरे चुटकी हमें ना पहचाना? छोड़ बड़ी, था भी तो कितना छोटा सा जब आखिरी बार देखा था। हट मन ने याद दिलाने दे इसको।
इसको देखना ऐसे झट से याद आ जावे है अभी ये। धन्नो मौसी, छन्नो मौसी, बचपन में ऐसी मार के भाग जाया करता था ना पावड़ो छोरो, तन्ने याद कोनी? खड़े खड़े सकल का देख रहा आके पैर छू, शहर आके सब भूल गया। इब मुंह का ताक रहा है, जाके पैर छू। पैर छू? अरे रे, कल्ला कल्ला छुएगा? अरे काम वाली बाई के इतने अच्छे कपड़े दे। पत्नी। लुगाई। अरे तारी कमर रखड़ थी पैर छूने में, अरे गांव में ना सिखाए बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना। अरे आप दोनों है कौन? अब हमारे से के पूछ ले बावड़ी छोरी, अब इससे पूछ हम कौन है। अरे हम क्या बताएंगे, हमें खुद नहीं पता है कि ये लोग कौन है। कितनी बार बताएगी छुटकी थारे समझ ना आ रहा। मौसी है तेरी बड़ी मौसी, सावित्री की बड़ी बहने, थारी बड़ी माँ। सकल का देख रहा पैर छू। देखिए आप लोग छोड़ बड़ी छोड़, मारे को लग रहा है हम गलत घर में आ गए हो है। ये मारी सावित्री का घर देखो कोनी, और ये बावरो छोरो, ये मारी सावित्री का छोरा कोई ना होवे। धन्नो मौसी और छन्नो मौसी याद ना होवे है। चलो यहाँ से। ये बात तो घनी ठीक कह रही तू, छन्नो जरा बात सुन। धन्नो धन्नो छन्नो की बात तो सुन। हाँ, ले हाँ, हाँ, के हुआ? देख हम आए थे, हमारे मरे हुए बाबूजी की जायदाद का बंटवारा करने। हाँ। सावित्री के हिस्से में जो आया वो हम यहाँ देने आए थे। हाँ। उसमें तो कितने सारे खेत थे, कई एकड़ जमीन से लाखों के जवाहरात। अरे दो दुकानें भी थी, तीन मकान से फार्म हाउस, कोठी। अरे झूठी कोठी मारी से। अरे बड़ी थारी याददाश्त को किसकी नजर लग गई, और कोठी तो सावित्री की होवे है। सावित्री की होवे या बावड़ी पूछ की ना होवे? जो सावित्री का होवे है वो बावड़ी पूछ का भी तो होवे है। पर ये बावड़ी पूछ तो हमें ही ना पहचान रहा। पहचान लिया, पहचान लिया, पहचान लिया, पहचान लिया। हाँ पहचान लिया। अरे पहचान लिया, आओ आओ पैर छुआओ। जीती रहे, जीती रहे छोरी, जीती रहे, जिंदी रहे। चलो चलो सामान निकालो गाड़ी में से, हमें हमारी बहन सावित्री से मिलना है। हाँ, 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 वो तो सत्संग सत्संग में गई है वो। हाँ वो बचपन से ही सत्संग में जाती है। वो इसी वक्त रोज सत्संग पे जाती है। बस आती होंगी। आती क्यों होंगी, मैं खुद लेकर आता हूँ। हाँ, 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 बताता हूँ, धन्नो मौसी छन्नो मौसी आई है। हाँ, हाँ, सारी लुगाई के रोटी बनाना आ गए। हाँ, हाँ, मौसी आई आई आई। मौसी क्या होया टकले बेटा, क्या होया? इतने ढेर सारे जेवर पहन के कहाँ घूम रही हो, हमें दे दो, काम आएंगे हमारे। ना जैसी दिखे वैसी है ना, बहुत मारेगी। अच्छा हमें मारेगी? देख कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। बड़ी अब बढ़िया लाभ रहे मन में। चले अंदर। हाँ, चलिए। मैडम चान 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 क्या हो गया? क्या हुआ? अम्मा किडनैप हो गई हैं। आपको कैसे पता किडनैप हो गई है? जी वो फिरौती के लिए फोन आया था।
फोन आया था फिरोजी के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कब कब हुई किडनैप? जी कल। कल? अरे यार, और आज तुम चले आए रिपोर्ट लिखवाने? अभी थोड़ा इंतजार करो, फिर कभी मौका मिले तो लिखवा देना रिपोर्ट। लिखवा क्या, आज ही आ गया? जी हमें लगा कि कोई मजाक कर रहा है। मजाक कर रहा है? मजाक? ऐसी बातों में कभी कोई मजाक करता है क्या? देखिए हमसे बहुत बड़ी गलती होगी मैडम, हमें बस आप हमारी अम्मा से मिलवा दो, हमें उनकी जरूरत है। मतलब माँ की जरूरत किसे नहीं होती मैडम। हाँ जी। एक मिनट, सीक्रेट बात है, पीछे पीछे। हमें पता है क्यों जरूरत है, माँ से जायदाद जो मिलने वाली है। पुष्पा जी थोड़ा और। सही कह रही हैं आप। देखिए ऐसे केसेस में ना वक्त बहुत लगता है। बहुत ज्यादा, 15-20 साल। हाँ थोड़ा कम, थोड़ा सा। हाँ देखा, बहुत आसान है दही भल्ले बनाना। अच्छा। हमने क्या किया? अरे लगता है फिर से भूल गई। हमने ये मिश्रण लिया। अरे याद आ गया। ये तेल में डाला, ये बड़े तैयार हो गए अपने, बस अब बड़ों को पानी में डालेंगे। हाँ हाँ, मतलब वो इंसान ऐसे मिलते मिलते मिलता है। हा? और कभी कभी तो मिलता भी नहीं। कैसी बात कर रही है मैडम आप? अब अगर हमारी अम्मा हमें नहीं मिली तो हमें भी कुछ नहीं मिलेगा। हमारा मतलब है कि हम एक पल भी हमारी अम्मा के बिना नहीं रह सकते। अब प्लीज उन्हें जल्दी ढूंढिए, प्लीज। ये तो हमारे छोटू की आवाज। अरे ये कहाँ छोटू, ये तो मोटू है। अम्मा जी, अम्मा, अम्मा जी, छोटू। हमारा छोटू। अम्मा, हमारा छोटू आ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है अम्मा कि तुम ठीक हो। एक काम दिए थे तुमको, 5 मिनट और पकड़ के नहीं रह सकते थे इनको? अरे नहीं नहीं, वो दही भल्ले क्या मस्त बनाए, वो खाने के ध्यान में भल्ले के चक्कर में कर दिए ना सब मटिया मैन। हमने कहा था ना आपसे, हमारा छोटू हमें लेने आएगा। देखो आ गया हमारा छोटू, हमें पता था वो हमारे बगैर नहीं रह सकता, हमें लेके जाएगा। और आप भी कमाल करती है मैडम, आपने कहा था कि किडनैप हुए लोग आसानी से नहीं मिलते, और हमारी अम्मा अंदर ही थी। मतलब हमारे कहने का मतलब ये था कि ऐसे मिलते मिलते मिला हुआ इंसान ऐसे हवाले नहीं कर सकते, ऐसे आ रहे थे हम। हाँ। एक मिनट, आपको समझ नहीं आता? यहाँ गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है, फॉर्मेलिटीज होती है, हम तो कुछ भी बोले। अजय भाई इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए जरा। डरिए मत, डरिए मत। फॉर्मेलिटी का क्या है, क्या है फॉर्मेलिटी का, आप तो घर के आदमी है। फिलहाल हसीना मैडम और करिश्मा मैडम आपके घर में आपकी बहनें बनकर रुकी हुई है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, आपके छोटू को भी नहीं। हाँ क्या है ना, वरना सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। हाँ कौन मैडम? हसीना कौन? अरे भगवान, कोई नहीं, कोई नहीं, सब भूल जाए कोई। हाँ जाइए जाइए जाइए, माता जी को लेकर जाइए, अपने ख्याल रखिएगा उनका। जाइए, चलो। थैंक यू, चलते हैं। हाँ आना घर। हाँ हाँ, खाना खाने आ जाएंगे। अम्मा जी दही भल्ले। मौसी जी पकौड़े कैसे हैं? गरम है। माँ जी सावित्री जी यहाँ कैसे? कहीं हमारा प्लान खराब ना कर दे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।